सबसे पहले हम लोग ग्लूटियल रीजन की तरफ आते हैं, तो ये हमारे पास जो है जो शोर है ये हमारे पास ग्लूटिस मैक्सिमस शोर है, बाकी कोई शो नहीं हो रहा यहाँ पर। इसी के हम लोग एंटीरियरली जाएंगे, तो ये हम लोग के पास टेंसर फेशियल एटा है और ये हम लोगों के पास इली फेशिया शोर है, ठीक है, जो दोनों की इंसर्शन होती है ये हम शोर है। इसके बाद हम लोग आएंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट पे थाई के, दो मिनट, ये कहाँ कहते हैं मसल में रहे हैं, ये थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट ये है, और ये हमारे पास क्या था वो कहाँ है, सर्टोरियस कहाँ है, रेक्टस, सर्टोरियस कहाँ है, ये सर्टोरियस है, ये रेक्टस है, और ये भी ये बेस्ट है, लिटरेलिस है, ये मीडियालिस है, और ये नीचे वाला इंटरमीडियस है। चलो यूँ यूँ इसको दफा करो, यूँ चलो मीडियल दो मिनट चौका मीडियल कंपार्टमेंट में हम देखें ना, तो ये हमारे पास बनाओ छुपी हुई है, ये हम लोग के पास ग्रेसियालिस है, और ये हम लोगों के पास एडक्टर मैग्नस है, मैग्नस है जहाँ से ये पीयर्स हो रही है, ये पीयर्स हो रही होती है शियाटिक नहीं पॉपलीटियल पॉपलीटियल आर्टरी फीमोरल आर्टरी जो यहाँ की पॉपुलेटर बन जाती है, और ये हम लोग के पास ये मैग्नस है और ये वाला लॉन्गर शो किया है, ब्रेविस शो नहीं हो रहा, और ये हम लोग के पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में ये बाइसेप्स शो हो रहा है, ये हम लोग के पास जो टेंडन की तरह है सेमी टेंडिनोसिस नीचे वाला मेम्ब्रेनोसिस शो हो रहा है, ये हम लोग के पास मसल जितने नहीं है। अब ये जो हम लोग के पास ये पॉपुलेटर आर्टरी है ना, जो हमने कहा था जो डॉक्टर मैग्नस को पीयर्स करके आ रही है, ये हम लोग के पास पॉपुलेटियल या फीमोरल आर्टरी है जो यहाँ की पॉपुलेटर आर्टरी बन चुकी है, और इसके साथ ये कट हुई है, और ये साथ इसी के साथ वेन है वो कहाँ से, हमारे पास शियाटिक नर्व है, शियाटिक नर्व शो हो रही है, और ये आगे दो में डिवाइड हो रही है, जो टीबियल लैटरल साइड पे जा रही है वो हमारे पास कॉमन फिबुलर और ये टीबियल। और जब हम लोग पूछते हैं कंपार्टमेंट ऑफ लेग की जो सुपरफिशियल मसल्स हैं, ये हम लोगों के पास आ रहा है गैस्ट्रोनेमियस को कट किया हुआ है, तो ये सोलियस शो हो रहा है, और ये हम लोग के पास टेंडोकल्केनियस एंड दोनों की इंसर्शन। और इसके बाद हम लोग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के डी मसल्स के हैं, तो वो हम लोग खाली यहाँ से देखेंगे, हम लोगों ने एक निमोनिक बनाया हुआ है टॉम डिड अ वेरी नाइस होमवर्क, तो उसमें उसके मुताबिक हम लोगों के पास ये पहला जो आ रहा है ये हम लोगों के पास टिबियालिस पोस्टीरियर होना चाहिए, देन ये हम लोगों के पास डिजिटोरम होना चाहिए, हाँ, और देन हम लोगों के पास आर्टरी होनी चाहिए जो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो इसलिए हमें नर्व शो हो रही है, और इसके बाद हम लोगों के पास पोस्टीरियर टिबियल नर्व, और फिर ये हमारे पास है हेलोसिस, इसको मैंने वो नाम दे दिया था पहले, ये दोबारा से हम लोग कह रहे हैं टॉम डिड अ वेरी नाइस होमवर्क, तो ये हम लोग के पास टिबियालिस पोस्टीरियर है, देन ये हम लोगों के पास डिजिटोरम है, हाँ ये डिजिटोरम है, और ये हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, मतलब नॉर्मली जहाँ एसल में शो हो रहे हैं ना, ये बीच में हम लोगों के पास हमने इसको भजूम कर देना, तो जैसे ये साथ ही डिजिटोरम होगा इसके, और ये नर्व है, और देन ये हम लोग के पास हेलोसिस होमवर्क वाला, और अब हम लोग के पास यहाँ एक और निमोनिक की टॉम हैज़ अ वेरी नाइस डॉग, तो उसके मुताबिक यहाँ पे पहले हम लोग के पास ये टिबियालिस इंटीरियर है, तो यहाँ पे शोर है, ये हेलोसिस है हमारे पास फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, और ये ना ये हम लोग के पास डिजिटोरम आता है, और देन ये फाइनली हम लोगों के पास आना चाहिए वो फिबुलरिस टर्शियस आना चाहिए, और लेटरल कंपार्टमेंट को भी साथ ही देखें, तो ये हम लोग के पास दो शोर हैं लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स, जो पहले हम लोगों के पास जो पहले शो हो रहा है वो हमारे पास ब्रेविस है, और जो डीप जा रहा है वो लॉन्गस है, जो पीछे जा रहा है वो लॉन्गस है, और जो पीछे जा रहा है वो ब्रेविस था ना लॉन्गस, ये देखो ये जो एंड पे हमें पहले शो हो रहा है वो हमारे पास ब्रेविस है, और जो एंड पे हमें पीछे शो हो रहा है वो लॉन्गस है,